देखिए दरअसल क्या है कि किसान यूनियन के लोगों से सरकार ने बहुत संवेदनशीलता के साथ 12 दौर की बातचीत की है। बातचीत का निर्णय तब होता है जब आप किसी कानून में कोई आपत्ति बताओ। कानून में किसान के विरुद्ध क्या है ये तुम बताओ। फ्लैट कहोगे कानून हटा दो, तो ऐसे थोड़ी होता है कि कोई भीड़ इकट्ठी हो जाए और कानून हट जाए। ये तो रखना पड़ेगा अपने को कि भाई आखिर कौन सा पॉइंट है जो किसान के विरुद्ध जाता है। सरकार समझने को तैयार है, सरकार संशोधन करने को तैयार है, सरकार चर्चा करने को तैयार है, आज भी तैयार है, प्रधानमंत्री ने भी कह दिया। तो किसान यूनियन आंदोलन करती रहे उससे क्या होगा। कुल मिला के चर्चा जब सरकार करना चाहती है चर्चा में बिंदु बताना चाहिए उनको, हम लोग उन बिंदुओं पर बात करने के लिए तैयार हैं। सर एक बड़ा सवाल ये बनता है इनके पास काफ़ी पैसा एसी लगाए जा रहे हैं पंडालों में, आप कोई बड़ा सवाल नहीं है। कुल मिला के किसान यूनियन अगर किसानों की हिमायती है तो उन्हें चाहिए किसान को तकलीफ कहाँ है ये सरकार को बताए। सरकार उस पर चर्चा करने को भी तैयार है, जरूरत पड़ेगी तो संशोधन करने को भी तैयार। सर एक मध्य प्रदेश से जुड़ा सवाल, आज गिरीश गौतम जी को विधानसभा अध्यक्ष के लिए नॉमिनेट कर दिया है, केदार शुक्ल जी नाराज हो गए हैं, बोल रहे हैं कि सीधे को नहीं मिलता, कांग्रेस तवज्जो देती थी सीधे को लेकिन बीजेपी नहीं दे रही है। गिरीश गौतम जी भी हमारे वरिष्ठ नेता हैं और कई बार विधायक रह चुके हैं। केदार शुक्ला जी भी वरिष्ठ नेता हैं। केदार शुक्ला जी से जो बातचीत है वो संबंधित लोग करेंगे और मैं समझता हूँ गिरीश गौतम जी के बारे में जो पार्टी ने निर्णय किया है वो स्वागत